नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ा बाजार में। दोस्तों आपका स्वागत है। टिकटॉक लवर्स की आखिरी उम्मीद पर लगा ग्रहण। इंडिया में कैम बैक के हुए दरवाजे बंद। भारत सरकार ने 59 चीनी मूल ऐप्स को अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें टिकटॉक, वीचैट, यूसी ब्राउजर और कई दूसरे ऐप शामिल है। पिछले साल जून 2020 में इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बैन होने के बाद काफ़ी समय से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडिया में पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक की वापसी हो सकती है। लेकिन अब सामने आई खबर ने टिकटॉक लवर्स की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अपने डेटा सुरक्षित कानूनों के बारे में उक्त ऐप्स के डेवलपर द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से संतुष्ट नहीं है। भारत में हमेशा के लिए बैन हुए पॉपुलर चाइनीज ऐप टिकटॉक के बाद पबजी को लेकर खबरों में बाजार गर्म है। क्या पबजी मोबाइल कम बैक कर पाएगी? हालांकि सरकार पबजी मोबाइल इंडिया को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों से इस प्रकार की खबर सामने आ रही है। कंपनी एक बार जल्द ही कमबैक कर सकती है। रॉयल्स की रिपोर्ट में बताया गया कि टिकटॉक की मूल कंपनी बाइट डांस ने की योजना अपने भारतीय कर्मचारियों की संख्या में जल्द ही कटौती करने की है। कंपनी ने द बायर वेबसाइट को बयान दिया है कि हमें शुरू से उम्मीद थी कि स्थिति जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर हमारे ऐप्स अनऑपरेशनल रहते हैं तो हम सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हमें पता नहीं कि हम भारत में कब तक वापसी कर सकेंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।